वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पवित्र गंगा जी के तट पर बसा हुआ दुनिया का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी शहर हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों की तादाद में सैलानी घूमने और यहां की संस्कृति को देखने और समझने के लिए आते हैं। काशी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह नगरी भगवान शिव जी के त्रिशूल पर खड़ी है। वैसे तो काशी में कई मंदिर हैं, परंतु भगवान शिव को समर्पित काशी विश्वनाथ मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह हिंदुओं के साथ साथ अन्य धर्मों के लोगों का भी महत्वपूर्ण स्थल है, तथा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यही सारनाथ नामक स्थान पर दिया था। इसके अलावा यहाँ कुल 84 घाट स्थित है, जिनमें मणिकर्णिका घाट, 80 घाट और दशाश्वमेध घाट सबसे प्रमुख और पवित्र घाट है। इसमें से अधिकांश घाट नहाने और पूजा समारोह के लिए उपयोग किए जाते हैं, जबकि 2 घाटों को विशेष रूप से दाह संस्कार के रूप में उपयोग किया जाता है। फ्रेंड मंदिरों और घाटों के अलावा बनारस खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए काफी पसंदीदा शहर है। यहाँ की बनारसी साड़ी और बनारसी पान तो पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, इसी कारण इस शहर को कई उपनामों से भी जाना जाता है, जैसे मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान की नगरी आदि नामों से संबोधित किया जाता है। फ्रेंड अगर बात करें इस जिले के क्षेत्रफल की, तो यह लगभग 1535 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और साल 2011 की जनगणना के अनुसार वाराणसी की जनसंख्या 36 लाख के लगभग है। वाराणसी में साक्षरता 77.5% है, और महिला पुरुष अनुपात 909 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। दोस्तों, इस नगर की स्थापना भगवान शिव ने लगभग 5000 साल पूर्व की थी। वाराणसी नाम का उद्गम यहाँ की 2 स्थानीय नदियों वरुणा नदी एवं असी नदी के नाम से मिलकर बना है, और इस शहर के मध्य से प्रवाहित होने वाली पवित्र गंगा नदी निस्संदेह वाराणसी शहर की सुंदरता और पवित्रता को बढ़ा देती है। सुबह शाम होने वाली गंगा नदी की आरती से वाराणसी शहर में भक्ति लहर दौड़ जाती है। वाराणसी की सुंदरता और अखंडता को देखने के लिए देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की लंबी कतार लगी रहती है। यहाँ कई लोग मुक्ति और शुद्धिकरण लिए भी आते हैं। दोस्तों, वाराणसी सनातन धर्म के 7 पवित्र शहरों में से एक है, इसी कारण भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी में रहे हैं, जिनमें कबीर, वल्लभाचार्य, मुंशी प्रेमचंद, रविदास, स्वामी रामानंद आदि कई सारे हैं, तथा गोस्वामी तुलसीदास ने सनातन धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस यहीं लिखा था। फ्रेंड, वाराणसी में उच्च शिक्षा हेतु अनेक महाविद्यालय है, जिसमें 4 बड़े विश्वविद्यालय प्रमुख हैं, जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतियन स्टडीज और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्य है। वाराणसी आस्था के रंग से लेकर क्रांति के रंगों में भी खूब रंगा हुआ है। यहाँ के काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने चंद्रशेखर आजाद जैसे स्वतंत्र सेनानी को जन्म दिया है, तथा यहाँ के निवासी मुख्यतः काशी का भोजपुरी बोलते हैं, जो हिंदी की ही एक बोली है। दोस्तों, अगर नजर डाले इतिहास के पन्नों पर तो पता चलता है कि कई मुस्लिम आक्रांताओं ने अपने अपने शासन काल में यहाँ के मंदिरों को तोड़ा और उन पे मस्जिद बना डाली। हालांकि तभी इन सभी आक्रमणों को सहता हुआ बनारस आज भी जेल का तेव खड़ा है। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ के प्रमुख उद्योगों की, तो वाराणसी में विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योग है, जिसमें बनारस की रेशम साड़ी, कपड़ा उद्योग, कालीन उद्योग एवं हस्तशिल्प प्रमुख है। दोस्तों, इनके अलावा यहाँ भारतीय रेल की डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल इंजन कारखाना डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है। फ्रेंड, वाराणसी भारत के मुख्य बड़े शहरों जैसे नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल और जयपुर आदि शहरों से वायु मार्ग, सड़क मार्ग तथा रेल यातायात द्वारा भली भांति जुड़ा हुआ है। वाराणसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 300 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, इस शहर में कई सारे दर्शनीय खूबसूरत पर्यटन स्थल भी मौजूद है, जहां प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक तीर्थ यात्री आते हैं, जैसे दशाश्वमेध घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिर, 80 घाट, रामनगर का किला, मणिकर्णिका घाट, वाराणसी सारनाथ मंदिर आदि। कई सारे खूबसूरत टूरिस्ट पैलेस मौजूद हैं, पर आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।